हेलो दोस्तों, बेस्ट फ्यूचर एजुकेशन चैनल में तुहाडा स्वागत है। अज की वीडियो में तुहानू दस रहे हैं जो कि पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा 2984 पोस्टों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तुसी घर बैठे ही इन पोस्टों को किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, अज की वीडियो में तुहानू पूरी जानकारी देवांगे। वीडियो को अखीर तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि तुहाडे कोलो कोई भी स्टेप मिस ना हो। इस तों अलावा दोस्तों, जेकर तुसी साडे चैनल उपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना, ते नाल ही बैल आइकन की घंटी नू प्रेस जरूर कर देना, ताकि साडे वालों जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो ताडे तक सब तो पहला नोटिफिकेशन पहुँच सके। सब तो पहला दोस्तों तुहानू दस दिए, जो ये पोस्टा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट वालों कंडक्ट की जानियां ने, तुसी इन्हां दी ही वैबसाइट ते तुसी इन्हां पोस्टा नू अपलाई करोगे। तुसी अपने गूगल क्रोम विच सर्च कर लेना है www.bfuhs.ac.in। सर्च करन तो बाद तुहाडे सामने जो यूनिवर्सिटी का पेज है इस तरह ओपन हो जाना है। इत्थे तुहानूं उपर ही मिल जाना है क्लिक हेयर टू अपलाई ऑनलाइन ऑफ वेरियस पोस्टस अंडर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तुसीं इत्थे क्लिक कर लेना है। क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने जो रिक्रूटमेंट का पेज इस तरह ओपन हो जाना है। इत्थे जेकर तुसीं इन पोस्टां बारे तुसीं पूरी डिटेल विच देखना चाहुंदे हो क्वालिफिकेशन वगैरह, तो तुसीं टर्म्स एंड कंडीशन ते क्लिक कर लेना है। बट जेकर तुसीं फॉर्म फिल करना है तो तुसीं न्यू रजिस्ट्रेशन ते क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन ते क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने जो रजिस्ट्रेशन पेज इस तरह ओपन हो जाना है। इत्थे दोस्तों तुहानू दस दिए, तुसी कोई भी पोस्ट फिल कर रहे हो तो तुहाडा जो परफॉर्मा सेम ही रहना है, बट तुहाडी जो पोस्ट तुसी चूज़ बड़े ही ध्यान नाल करनी है। इत्थे तुहानू जो वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट भर के दिखावांगे, बट पोस्ट जो फिल करन दा तरीका सेम ही रहना है। इत्थे सब तो पहला तुसी अपना नाम भरना है, उस तो बाद फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, उस तो बाद तुसी अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना एंड आधार कार्ड नंबर, उस तो बाद तुसी अपना जो मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर बड़े ही तुसी ध्यान नाल भरना है, क्योंकि जो तुहाडा रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड नंबर तुहाडा जो मोबाइल नंबर ते ही सेंड होना है। उस तो बाद तुसी अपना जो एड्रेस भरना है, उस तो बाद तुसी अपना जो परमानेंट एड्रेस भी सेम भर सकते हो, इत्थे तुसी कॉपी कर लेना है एंड पेस्ट। उस तो बाद तुसी अपना इत्थे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है एंड ईमेल आईडी, जो अपना मोबाइल नंबर है ते जो ईमेल आईडी रहनी है बड़े ही तुसी ध्यान नाल भरनी है। उस तो बाद नीचे जो तुसी अपनी जो पोस्ट सिलेक्ट करनी है, जिवें कि असी इत्थे जो वार्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट भर रहे हैं। इत्थे दोस्तों जो 10 तरह की जो पोस्टा ने, तुसी जो भी क्वालिफिकेशन रखते हो उसके अकॉर्डिंग जो तुसी अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट सिलेक्ट करन तो बाद तुहाडे सामने जो इस तरह जो फीस अपडेट होगी, तुसी जिस भी कैटेगरी नाल संबंध रखते हो इत्थे तुसी चूज कर लेनी है। उस तो बाद तुहाडी जो SCMB की फीस होगी 295 रुपए एंड जनरल कैटेगरी लिए जो 590 रुपए फीस रहनी है। उस तो बाद तुसी अपनी जो बेसिक क्वालिफिकेशन विच सिलेक्ट कर लेना है मिडल स्टैंडर्ड विद पंजाबी लैंग्वेज। उस तो बाद तुसी इत्थे अपना जो स्कूल का नाम भर लेना है, उस तो बाद तुहाडे जो टोटल मार्क्स किन्ने रहे सी एंड तुहाडे जो किन्ने नंबर आए सी एंड तुसी इत्थे नीचे अपना जो पासिंग ईयर भरना है।
उस तो बाद तुहाडे सामने जो नीचे कुछ कंडीशन दिखाई देणगियां इन्हां विच तुसीं कुछ भी चेंज नहीं करना। बट जेकर तुसीं गवर्नमेंट सर्विस आलरेडी कर रहे हो तो इत्थे यस सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इस नूं सेम ही रहन देना है। उस तो बाद तुसीं एक बार अपनी डिटेल जो भरी है एक बार चेक जरूर कर लेनी है। उस तो बाद सेव एंड प्रोसीड ते क्लिक कर लेना है। सेव एंड प्रोसीड ते क्लिक करने तो बाद जो तुसीं अपना जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भरी सी उसते जो तुहाडा रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड चला जाना है, उसते तुसीं देख के उस तो बाद तुसीं कैंडीडेट लॉगिन ते क्लिक कर लेना है। इत्थे तुसीं अपने जो रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड भरन तो बाद तुसीं लॉगिन ते क्लिक कर लेना है। लॉगिन ते क्लिक करने तो बाद जो तुहाडी फीस रहनी है वो तुहाडी ऑनलाइन ही रहनी है। उस तो बाद तुसीं पे फीस ते क्लिक कर लेना है, पे फीस ऑनलाइन। उस तो बाद तुसीं क्लिक हेयर टू प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट ते क्लिक करोगे। क्लिक करने तो बाद दोस्तों तुसीं अपनी जो फीस किसी भी तरीके ना कर सकते हो, ठीक है जी। असीं इत्थे डेबिट कार्ड राहीं जो फीस पे कर रहे हैं, उस तो बाद तुसीं पे नाउ ते क्लिक कर लेना है। इत्थे दोस्तों असीं वीडियो थोड़ी जी स्किप कर रहे हैं। इत्थे तुसीं अपने जो कार्ड नंबर भर लेना है एंड जिस दे भी नाँ ते तुहाडा जो कार्ड है वो भरोंगे, एक्सपायरी डेट एंड सी वी जो तुहाडे जो तीन अक्षर होंगे ने कार्ड के बैकसाइड वो भरन तो बाद पे नाउ ते क्लिक कर लेना है एंड ओ टी पी जनरेट होने तो बाद ओ टी पी भर लेनी है। इस तरह जो तुहाडी फीस पे हो जानी है। इस तरह दोस्तों जब तुसी अपनी जो फीस पे कर दी तो तुहाडी जो रिसिप्ट इस तरह नज़र आएगी, तुसी इसका प्रिंट ले लेना है। जेकर तुसी मोबाइल ते अपनी जो फॉर्म फिल कर रहे हो तो तुसी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जां डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट लैन तो बाद आपां क्लोज ते क्लिक कर लेना है। इस तरह जो तुहाडा पेज ओपन हो जाना है। उस तो बाद सैकेंड तुहाडा जो नैक्सट स्टैप रहना है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तुसीं इत्थे क्लिक कर लेना है। सब तो पहले दोस्तों तुसीं अपनी जो फोटो अपलोड करने लई जो तुसीं फास्ट ब्राउज़ ते क्लिक कर लेना है। उस तो बाद तुसीं अपलोड ते क्लिक करोगे। इस तरह ताड़ी जो फोटो जेकर साइज बिल्कुल सही होना तो फोटो अपलोड हो जानी है। तुसीं अपनी जो फोटो सिग्नेचर का साइज किस तरह साइज सैट करना है ये असीं वीडियो पहला बना चुके हैं। तुसीं अपने मोबाइल या कंप्यूटर उपर वीडियो देख के बड़े ही आसानी नाल साइज सैट कर ले सकते हो। साडे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो मिल जानी है। उस तो बाद अपने जो सिग्नेचर अपलोड करने ने इस तरह जो साडे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुके ने। उस तो बाद आपां फिर होम ते क्लिक कर लेना है। उस तो बाद साडा जो नैक्सट स्टैप रहना है, जेकर तुहाडे कोल कोई एक्सपीरियंस है तो तुसीं एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस जेकर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस जरूरी तो नहीं बट जेकर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है तो तुसीं जरूर ऐड करना, क्योंकि उस दे जो 10 नंबर एक्सट्रा लगने ने। उस तो बाद जेकर तुसीं होर विद्यक योग्यता रखते हो उसनों ऐड कर सकते हो। इत्थे असीं जो अपनी जो प्लस टू ऐड करांगे। इस तरह असीं जो अपनी जो प्लस टू की डिटेल भर दी है। जेकर तुसीं होर भी क्वालिफिकेशन रखते हो तो तुसीं इत्थे अपनी जो ठीक है जी अपने जो तुसीं क्वालिफिकेशन रखते हो वो भरनी है। इत्थे पासिंग ईयर एंड जो तुहाडे मार्क्स रहने ने वह भरन तो बाद तुसीं इत्थे स्कूल कॉलेज का नाम भरन तो बाद ऐड क्वालिफिकेशन कर लेनी है। उस तो बाद असीं फिर होम ते क्लिक कर लेना है। होम ते क्लिक करन तो बाद तुसीं एक बार अपनी जो डिटेल चेक कर ली एडिट एप्लीकेशन ते क्लिक कर लेना है, ठीक है। इत्थे तुसीं बड़े ही ध्यान नाल डिटेल देख लेनी है, बिल्कुल सही है। अपनी डिटेल एक बार चेक करने तो बाद आपां जो अपडेट एंड प्रोसीड ते क्लिक कर लेना है।
उस तो बाद होम ते क्लिक कर लेना है। होम ते क्लिक करने तो बाद आपां जो लॉक एप्लीकेशन कर लेना है, ठीक है। लॉक एप्लीकेशन करना जरूरी है, उस तो बाद ही जो तुहाडा एप्लीकेशन का प्रिंट निकलना है। इस तरह जो साडा फॉर्म लॉक हो चुका है, उस तो बाद होम ते क्लिक करने तो बाद तुसी अपने जो फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। इस तरह दोस्तों तुसी बड़े ही आसानी नाल घर बैठे ही इस फॉर्म नू अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों जेकर तुहानू फॉर्म फिल करने संबंधी कोई भी दिक्कत आउंदी है तो तुसी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। इस तरह दोस्तों आज की जो वीडियो समाप्त हुई, जेकर तुसी हाले तक साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब जरूर करना, वीडियो नू लाइक ते वध तों वध शेयर जरूर करना। धन्यवाद।